हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग क्यों जग गई हूँ ये मैं आपको आज बताती हूँ। और आज हम जा रहे हैं कहीं घर से बाहर, तो देखिए आज हम कहाँ जा रहे हैं और मैं आपको आगे की वीडियो दिखाऊंगी। टाइम देखिए 5:30 होने वाले हैं, 5:20 है। हम यहाँ पे निकल चुके हैं घर से और देखिए मॉर्निंग व्यू कितना प्यारा आ रहा है सुबह का। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज उत्तराखंड हरिद्वार। तो आपको मैं आगे की वीडियो पूरी आज कंटिन्यू कर रही हूँ और आप भी देखिए। हेलो फ्रेंड्स, दीदी और बाबू यहाँ पीछे बैठे हुए थे और काफ़ी आराम से हमारी जर्नी ये स्टार्ट हुई थी। कंफर्टेबल बैठे हुए हैं सब, ये देखिए आराम से जा रहे हैं हम। सुबह सुबह देखिए मॉर्निंग व्यू इतना प्यारा लग रहा था, सूर्य उदय का टाइम। और हम लोग निकल चुके थे बाहर मेन गाज़ियाबाद के पास फ्लाईओवर पर, बहुत ही प्यारा लग रहा था सुबह सुबह मॉर्निंग में जाना। तो काफ़ी इन्जॉय करा हमने इस ट्रिप को। यहाँ पे हमारा दिल्ली टू हरिद्वार के लिए टोल टैक्स पड़ गया था जो 82-85 रुपीज़ का था। और यहाँ पे टोल टैक्स हमने दिया था, यहाँ पे टोल टैक्स दिया था हमने। उसके बाद फास्टैग लगा हो गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, कैश पेमेंट के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। और हमारी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ था पहले से, तो जैसे ही हम आगे गए थे फास्टैग पे बहुत जल्दी हमारी गाड़ी पे कर दिया था उसने पेटीएम के थ्रू। यहाँ टोल टैक्स से थोड़ा आगे जाके हमारा टी टाइम स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पे हम चाय के लिए रुक गए थे देखिए। और बच्चों को कुछ खिलाने के लिए हमने फ्रेंच फ्राइज वगैरह लिए थे। और हमारे साथ और कौन जा रहा है वो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। एक गाड़ी और हमारे साथ गई थी, तो जिसमें हम अभी आगे आपको कंटिन्यू दिखाती हूँ मैं, अभी रुकिए। यहाँ पे मेरे फादर हैं ये, और साथ में चाचा जी गए थे जिनके दोनों बच्चे आगे बैठे हैं, पीछे मम्मी बैठी हुई हैं सीट पे देखिए। और इधर चाची जी हैं साथ में। तो दूसरी गाड़ी में इन लोगों ने हमारे साथ ट्रैवल किया था, लॉन्ग टूर हो तो साथ में कोई ना कोई चाहिए होता है।
यही है कि हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। तो आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ इसी ब्लॉग को, देखते रहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आगे जाके हमारे यहाँ पे बूथ बना हुआ था जहाँ पे गाड़ियों को रोक लिया था, जो उत्तराखंड के लिए ई पास चेक हो रहा था। तो अगर फ्रेंड्स आप भी आउट ऑफ दिल्ली उत्तराखंड जाने की सोच रहे हैं तो ऑनलाइन अपना ई पास बनवा के जाएं, नहीं तो यहाँ पे आपको काफ़ी लाइन में लग सकते हैं। ये देखिए गाड़ियों को राइट साइड में भेजा जा रहा था जहाँ आगे जाके बूथ बना हुआ था, वहाँ आपको अपना ई पास बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उत्तराखंड में एंटर कर सकते हैं। और हम तो अपना ऑनलाइन यहाँ से ई पास बनवा कर गए थे तो हम इसलिए यहाँ से फ्री हो गए थे जल्दी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, आ जाइए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पतंजलि योगपीठ आश्रम जो बाबा रामदेव का आश्रम है, ये हरिद्वार में काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। और हम यहीं से निकले, मेन रास्ता हरिद्वार जाने का यही है, तो ये रास्ते में पड़ता है, आप भी जाएं तो ज़रूर देखें। यहाँ पे लंच टाइम हो गया था और दीदी अपने साथ बना के लाई थी ये स्प्राउट्स, ये देखिए। तो आप जब भी ट्रैवल करें कुछ हल्का ही खाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। हम लोग स्प्राउट्स लेके गए थे। यहीं से हमें गंगा जी के दर्शन हो गए थे, मेन हरिद्वार हम पहुँच चुके हैं।